हेलो हाँ जी हेलो 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 हाँ जी हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और ऐसे के साथ आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं सभी बढ़िया हैं अच्छे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों लास्ट लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देखा होगा और आपने उस लेक्चर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स के बढ़िया से नोट्स बना लिए होंगे आज हम लोग फराड़े के विद्युत अवघटन के नियम का अध्ययन करेंगे बहुत डिटेल में अच्छे से अच्छे अच्छे सवाल भी उसके ऊपर करेंगे जो जेई लेवल में आए हुए हैं और आपको पढ़ने में जो है बहुत ही मज़ा आएगा तो सभी बच्चे जल्दी से जो है क्लास में आ जाओ हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं जिसकी क्लास का टाइमिंग हाँ थोड़े से टाइमिंग चेंज है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ वैसे आप लोगों ने शायद देख लिया होगा आपके शेड्यूल के अंदर फिर भी इन केस अगर आपने अपना शेड्यूल अभी तक चेक नहीं किया है टेलीग्राम के ऊपर आपका न्यू शेड्यूल और एप्लीकेशन के ऊपर भी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ अबाउट दैट जस्ट अ मिनट देखो सबसे पहली बात एक समझनी होगी आप सभी को कि अभी हम लोग देखो बहुत सारे बच्चों के कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं तो मैं वो पहले क्लियर कर देता हूं अच्छे से है ना देखिए अभी हमारा चैप्टर नंबर अगर नई वाली एनसीआरटी के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर टू चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने कुछ बच्चों ने जिन्होंने नया ज्वाइन किया उनको शायद ये बात नहीं पती है, पता है है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर को को और साथ में हमने ऑर्गेनिक बहुत अच्छा खासा समय दिया था है ना इन दो चीजों को बहुत अच्छा खासा समय दिया था एक तो चैप्टर नंबर टू को एक चैप्टर अपना ऑर्गेनिक को चैप्टर नंबर टू को इतना टाइम क्यों दिया था सर आपने तो चैप्टर नंबर टू को इतना टाइम मैंने इसलिए दिया था क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आते हैं जिसकी थ्योरी को सही तरीके से समझना जरूरी था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इस प्रकार से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी कि एक बच्चे का एक भी नंबर नहीं कटे बीच में फिर मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया जिस कारण से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिसकंटिन्यू करना पड़ा इसीलिए हमारा सिलेबस टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा पीछे है है ना बट आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपका सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम ख़त्म होगा हम लोग हमारा सिलेबस का जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो मैं सभी बच्चों को एक बार क्लियर कर दूं आपका सिलेबस का जो टारगेट है वो है नवंबर एंड मतलब नवंबर के अंत तक आपका सिलेबस खत्म करने का टारगेट है केमिस्ट्री का देखो मैथमेटिक्स का सिलेबस ऑलरेडी बहुत एडवांस चल रहा है फिजिक्स का सिलेबस ऑलरेडी फर्स्ट बुक खत्म हो चुकी है सेकेंड बुक चल रही है तो हुआ यह है मेरे साथ में कि मेरी तबीयत बीच में एक महीना खराब रहने के कारण मेरी क्लासेस नहीं हो पाई जिसके कारण मेरा सिलेबस पीछे हो गया है बट आपको चिंता नहीं करनी है मैं अभी भी टारगेट लेके चल रहा हूँ कि हमें नवंबर एंड तक जो है अपने सिलेबस को वाइंड अप करना है अपने सिलेबस को ख़त्म करना है तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है आपको बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना है तो चलिए शुरू करें देखो बच्चों जब आप पढ़ाई करते हो तो आप इस चीज़ को दिमाग में लेके चलते हो कि हमेशा हमें हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ हम क्या कर चुके हैं विद्युत अवघटनी सेल का अध्ययन हम कर रहे थे विद्युत अवघटन के बारे में हमने पढ़ा उसका पार्ट वन हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर आपको ऐप के ऊपर पार्ट टू का लेक्चर मिला है ना इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ अब आज की क्लास में हम लोग विद्युत अपघटन के के नियम पढ़ेंगे ठीक है क्या पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम पढ़ेंगे तो आज का एजेंडा क्या होने वाला है आज हम फेराडे का विद्युत अपघटन का तो प्रथम नियम है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ पैराडि इसको हम पढ़ेंगे और ये किससे जुड़ा हुआ है ये पूरी तरह से आपके विद्युत अपघटन अर्थात आपके इलेक्ट्रोलाइसिस से कनेक्टेड ठीक। ओके okay, चलो डन देखो कभी भी आप कोई लाइफ अटेंड करते हो तो उसके बाद में आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट ग्रुप के अंदर सॉल्व किए जाते हैं बट एक चीज को मैं स्पेशली मेंशन कर दूं आपके डाउट ग्रुप्स के अंदर आपको कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है आपको अपने किसी भी डाउट ग्रुप के अंदर अंट शंट टाइम पास गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या भी कोई भी फालतू का मैसेज केमिस्ट्री के डाउट ग्रुप के अंदर मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स के डाउट ग्रुप में केमिस्ट्री की है ना इस तरह की चीजें नहीं करनी है आपको कभी जिस सब्जेक्ट का डाउट ग्रुप बना हुआ है आपको उस सब्जेक्ट की चीजें ही वहाँ पे पूछनी है इस बात का विशेष ध्यान रखना है उसके बाद आपके जो टेस्ट हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करेंगे आप जितना अच्छे से टेस्ट दोगे आपके उतने ही आगे आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी बढ़ेगी ठीक है चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करें अब आप फटाफट से टेलीग्राम इंस्टाग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो करके रख लो क्योंकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलने वाली है इन मोबाइल नंबर को ध्यान रखिए आपको कभी भी दिक्कत आएगी तो आप इन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आपकी क्लासेस आपके कोर्स आपका बैच आपके नोट्स सबके बारे में चलिए बॉस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हेडिंग लगाओ फेराडे के विद्युत अवघटन के नियम ड़े के विद्युत अपघटन के नियम और इसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं पहला नियम फर्स्ट नियम ठीक है ध्यान समझना सबसे पहले एक बात बताओ अभी तक आपने विद्युत अपघटन के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज पढ़ी है मतलब आपने विद्युत अपघटन का लेक्चर नंबर वन भी देख लिया आपने विद्युत अपघटन का लेक्चर नंबर टू भी देख लिया होगा विद्युत अपघटन के बेसिक्स में अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जैसे ये आपका कंटेनर है ये आपका कंटेनर है इस कंटेनर में आपका विद्युत अपघट्य भरा हुआ है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट ठीक है ये आपका कंटेनर है इसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है अब आप जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करते हो तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में आप विद्युत अपघट्य के अंदर इलेक्ट्रोड लगाने का काम करते हो मान लेते हैं आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिया एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा जा करके पता है सबको और एक इलेक्ट्रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाके कनेक्ट होगा उसे हम यहां पर एनोड के नाम से जानते हैं और जो इलेक्ट्रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाके कनेक्ट होगा हम उसे कैथोड के नाम से जानते हैं है ना? अब एक बात को समझो आपके विद्युत अवघटने में ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा सही है हम लोगों ने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में बहुत अच्छे से चीज समझी है कि जो आपका पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाकर के अट्रैक्ट होगा अब अगर लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा अगर एक से ज्यादा पॉजिटिव है तो उनमें रेस लगेगी और का, काफी सारे पैरामीटर्स के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा पॉजिटिव जाएगा और मोटी मोटी बात यह है कि प्लस जाएगा कैथोड के पास और माइनस जो है ये जाएगा आपके एनोड के पास तो प्लस जाएगा आपके कैथोड के पास और माइनस जाएगा आपके एनोड के पास इतनी बात समझ आती है अब अगर इस प्रकार से ये कैथोड एनोड जा रहे हैं तो ये जाकर के इकट्ठा भी होंगे फिर यहाँ पे भाई अगर ये नेगेटिव गया है तो नेगेटिव यहां पे जाकर के कि किसी उत्पाद में बदलेगा पॉजिटिव यहां पे जाएगा किसी उत्पाद में बदलेगा जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था सोडियम जा रहा था एनए में बदल रहा था सीएल जा रहा था सीएल में बदल रहा था तो हमें एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होंगे हमें एनोड और कैथोड पे प्राप्त होंगे विद्युत अवगठन के उत्पाद हमें एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा बेटा समझो हमें एनोड और कैथोड पर प्राप्त होगा विद्युत अपघटन के उत्पाद ठीक है यहां तक समझ आ गया प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मिलेंगे अपन को चलो अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मिला मान लेते हैं हमें W मिला कि यहां पे जाकर के हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ डब्ल्यू प्राप्त हुआ सही है तो फेराडे का विद्युत अवघन का प्रथम नियम बताने जा रहा हूं सुनना फेराडे का विद्युत अवघन का प्रथम नियम ये बोलता है कि आपको जो उत्पाद की मात्रा प्राप्त होगी भाई अपन मान लेते हैं डब्ल्यू आप चाहो तो एम मान लो को कि आप एम से ज्यादा फेमिलियर हो तो मान लेते हैं हमें जो उत्पाद की मात्रा प्राप्त होगी यदि वो एम है एम है हमारा उत्पाद की मात्रा एम है हमारा उत्पाद की मात्रा तो जो हमें उत्पाद की मात्रा प्राप्त होगी एम वो समानुपाती होगी कि आपने कितना आवेश दिया है अगर आप ज्यादा आवेश दोगे अभी बात तो कॉमन सेंस की भी है मेरे भाई आप जितना ज्यादा आवेश दोगे आप जितना 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 ज्यादा आवेश दोगे उतना ही ज्यादा माइनस प्लस खिंचेगा जितना माइनस प्लस खिंचेगा उतना वहां पे आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लस माइनस इकट्ठा होगा क्या यह बात सही है क्या सभी बात सभी लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ सर ये सही कह रहे हो आप हाथ ऊपर करो कि भाई जितना ज्यादा आवेश हम देंगे जितना ज्यादा आवेश हम देंगे उतना ज्यादा जितना ज्यादा आवेश हम देंगे उतना ज्यादा प्लस और माइनस जाकर के कैथोड और एनोड के ऊपर क्या होंगे इकट्ठे होंगे कैथोड एनोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे बोलो यहां तक समझ आता है क्या आराम से पहले हाथ ऊपर करो फिर आगे बढ़ेंगे क्लियर है चलो तो वेरी गुड अब ये जब समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो यहां एक कांस्टेंट आएगा जेड जेड को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक जब आप ये समानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जेड इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रो केमिकल इक्विलेंट ठीक है पक्का बेटा हाथों पर करो एक एक चीज समझते हुए चलो टॉपिक थोड़ा अजीब है इसलिए मैं हर एक चीज समझाना चाह रहा हूं आप जेड का फॉर्मूला क्या होता है जेड का फॉर्मूला होता है E by F. आराम से देखते हुए चलना Z का फॉर्मूला क्या है सर? यहाँ पे एक Z दिख रहा है हमको जिसको अभी अभी आपने बताया कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं सर तो कृपया मेहरबानी करके सर ये बता सकते हैं आपकी Z क्या होता है Z का मतलब होता है ई e F। अब E क्या है E होता है तुल्यांक भार जिन बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर नंबर टू पढ़ा होगा सॉल्यूशन अच्छे से उनको अच्छे से पता होगा तो भार क्या होता है तो भार होता है मोलर बार या मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाय एक्स मोलिकुलर वेट या मोलर वेट कह सकते हो आप या मोलर द्रव्यमान सिंपल एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, है ना? मोलर द्रव्यमान या फिर आप इसको कह सकते हैं सिंपल मोलिकुलर वेट और एक्स जो है यहां एक्स के बहुत सारे मतलब होते हैं पर जो मतलब मैं यहां रखना चाहता हूं वो है कि एक्स का मतलब होता है चार्ज सिंपल सिंपल देखें तो एक्स का मतलब क्या होता है चार्ज डन अब देखो बेटा अगर आपको एम का मान कभी निकालने की जरूरत पड़ जाए तो तरीका क्या होगा सबसे पहले आपको मोलर द्रव्यमान और चार्ज का भाग लगा के ई निकालना पड़ेगा इसको हम कहते हैं तुल्यांक भार फिर ई e में आपको एफ का भाग लगा के जेड निकालना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक फिर उस जेड का मान यहां पुट करके आप एम निकाल सकते हैं एक और चीज जनरली आप सवाल ऐसा देखोगे जिसमें आपको आवेश डायरेक्ट दे ही रखा होगा आपको विद्युत धारा और समय दे रखा होगा तो अगर आपको विद्युत धारा और समय दे रखा हो तो विद्युत धारा बराबर होता है समय बटा आवेश बटा समय तो यहां से आवेश बराबर है विद्युत धारा इंटू समय ऐसे आवेश बराबर धारा इंटू समय इस तरह से क्यू आप यहां पर रख सकेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है क्यू का मान यहां ऐसे आ जाए डेढ़ का मान यहां से घूमता हुआ पहुंचेगा और फिर आप एम का मान निकाल पाएंगे गन हाथ ऊपर करो यहां तक सबको समझ आ गया क्या फिर करते हैं न्यूमेरिकल हैश टैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन नहीं आएगा वापस समझाऊंगा चिंता मत करो नहीं आएगा मैं यहीं बैठा हूं वापस समझाऊंगा नहीं आएगा वापस समझेंगे हाँ तो पकड़ो बेटा जल्दी अखंड अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एफ क्या है हाँ एक चीज एफ है एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्य एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान होता है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो ये एफ का मतलब है एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कुलाम ठीक आप चाहो तो एफ के ऊपर चर्चा कर सकते हैं थोड़ी सी और साइड में कहीं पे कर लेते हैं हां करें जैसे देखो एफ को लेकर के मैं चर्चा करना हमेशा पसंद करता हूं क्योंकि कई बच्चों को एफ का आइडिया नहीं होता देखो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू दस की घात माइनस उन्नीस गुलाम राइट हुँ? एक मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू दस की घात तेईस राइट तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश सॉल्व कर लो वैल्यू आती है लगभग नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो गुलाम के बराबर ये है फेराडे और इसे कहते हैं फेराडे और ये वैसे हम काफी अच्छे देख चुके हैं पहले भी ठीक है बेटा डन आपको सवाल आएगा तो समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले अपन ई निकालेंगे फिर अपन जेड निकालेंगे क्यू निकालेंगे और वहां से एम निकल के आएगा मस्त सवाल दे दूं अब आपको मैं सॉल्व करने के लिए ये तो फिजिक्स नामक सब्जेक्ट में पढ़ाता हाँ ये फिजिक्स में भी था बेटा बिल्कुल सही समझा आपने चलो बेटा अब एक काम करो अब प्रश्न लिखो और सभी बच्चे इसको कॉपी में सॉल्व करके ट्राई करना प्रश्न है कि अपन ने कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन किया ठीक है प्लस माइनस लगा करके अब कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन कर रहे हो तो आपने एक तो एनोड लगाया होगा एक आपने कैथोड लगाया होगा तो जो आपका कैथोड है उसके ऊपर कौन जाके इकट्ठा होगा सीयू टू प्लस है ना सिंपल है बात कौन जाके इकट्ठा होगा सीयू टू प्लस सवाल यह है यदि पांच एमपियर की धारा एक घंटे के लिए प्रवाहित की जाए तो कैथोड पे प्राप्त कॉपर की मात्रा बताइए बहुत अच्छा सवाल है सॉल्व करिए फटाफट से सभी बच्चे सॉल्व करिए जल्दी सॉल्व इट समझ आ गया क्या सभी को किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सवाल को समझने में आसान सवाल लगा कॉपर सल्फेट का विद्युत हो रहा है दिख रहा है आपको डायग्राम बना दिया इतना सबको समझ में आता है कि जो नेगेटिव है उस पर कॉपर आएगा अब ये बताना है कि पांच एम्पियर की धारा को यदि एक घंटे के लिए प्रवाहित करें तो कैथोड पर प्राप्त कॉपर की मात्रा बतानी है चलो स्टार्ट हो जाओ दो मिनट का समय पूरा क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने के लिए और इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से सॉल्व करवाऊंगा एक तरीका होगा जिसमें अपन अभी जो फॉर्मूला सीखे उसको अप्लाई करके सॉल्व करना सीखेंगे और एक तरीका मैं डायरेक्ट बताऊंगा डायरेक्ट जिसके अंदर क्या होगा आप एक नई अप्रोच को सीखोगे फिर आपको जो अप्रोच समझ आया आप उसको फॉलो कर सकते हो Z बराबर ई अपन एफ कहाँ से आया तो इसको डिफाइन किया गया इसको परिभाषित इस तौर पे किया गया ये वहां से आया है तो चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट जल्दी आया बेटा चलो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा दोनों पे फोकस करना मेथड नंबर वन मेथड नंबर वन ये कहता है कि सबसे पहले फॉर्मूले को दिमाग में लेके आओ कि द्रव्यमान m बराबर होता है z इंटू क्यू एम बराबर आवेश को लिख सकते हैं अपन विद्युत धारा इंटू समय एम तो बराबर आ गया जेड इंटू आई इंटू टी अब जो चीज समझने की है वो क्या है सर समझने वाली चीज यहां पर ये है कि आपको सबसे पहले Z निकालने के लिए Z का फॉर्मूला होता है ई e बटा एफ तो Z निकालने के लिए आपको सबसे पहले E निकालना पड़ेगा और E होता है M बटा एक्स सही है चलो शुरू करते हैं एम क्या है मोलर द्रव्यमान, राइट एक्स क्या है चार्ज आवेश सिंपल जी तो कैपिटल एम इज इज द चार्ज किसकी बात कर रहे हैं कॉपर की बात हो रही है तो सी यू टू प्लस की बात कर रहे हो कॉपर की मात्रा की बात कर रहे हो सी यू टू प्लस आयन के ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है आपको बताओ टू है प्लस का टू इसका द्रव्यमान कितना होता है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव सही है क्या तो यहां से अगर अपन सबसे पहले ई की वैल्यू निकालें तो कॉपर की मात्रा की बात कर रहा है तो कॉपर का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया कॉपर पे चार्ज कितना है टू यहां से ई का मान निकल के आ गया अब जेड का मान कैसे निकल के आएगा ई बटा एफ ई का मान ईरा सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव डिवाइड बाय टू एफ का मान कितना है एफ बराबर नाइन सिक्स वन एफ बराबर नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो गुलाम अब एम पे आ जाते हैं जेड निकाल लिया तो एम बराबर जेड इंटू क्यू जेड ये रहा पूरा क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी कितनी धारा भेज रहे हैं पांच एमपियर कितने घंटे के लिए एक घंटे के लिए एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 तो आई हो गया आपका 5 एंपियर और समय आपका एक घंटा था इसको सेकंड में बदल लें तो 3600 सेकंड चलो अब बताओ ठीक है क्या ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों का आया हाथ ऊपर करो मैंने आपको अच्छा समय दिया था लगभग 3 मिनट के ऊपर का समय दिया सवाल को सॉल्व करने के लिए इतने बच्चों का यह एक्सप्रेशन आया है योर हैंड्स प्लीज फास्ट क्विक सुपर डुपर जल्दी करो जल्दी करो आ गया वेरी गुड समझ आ गया सबको अगर सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो क्लियर फिर मैं इसका सेकंड मेथड सिखाता हूं ये मेथड नंबर वन था बेटा अब मैं आपको इसका मेथड नंबर टू भी सिखाऊंगा जो ज्यादा आसान लगेगा आपको जल्दी से इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर टू सीखेंगे अपन अगर मेथड नंबर वन भले ही आपका आंसर नहीं आया कोई बात नहीं आपको समझ आ गया तो क्लियर लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से वेरी गुड ये ने? ये है ना करेगा नंबर देखते हैं क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो तो जल्दी मत करो आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को आराम से पढ़ के कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं कॉपर को जाकर के इकट्ठा होना है पहली बात तो क्योंकि अपन को कॉपर की मात्रा बतानी है पहली बात दूसरी बात क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पांच एम्पियर की धारा एक घंटे के लिए प्रवाहित की है दूसरी बात यह बोल रहा है कि पांच एम्पियर की धारा एक घंटे के लिए प्रवाहित की है दूसरी बात कॉपर की मात्रा बतानी है चलो रिएक्शन क्या होगी सी टू प्लस जाकर के कैथोड के ऊपर करेगा क्या यह हमें बताना है तो सी टू प्लस आपको नहीं लगता यह काम करेगा कि जैसे वो बना है उसका उल्टा करेगा प्लस बनाता है इलेक्ट्रॉन देकर के अभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेगा कॉपर ये स्थिति होगी सही है ना चलो करंट हमने कितनी दी कितने एमपियर की करंट दी पांच एमपियर कितने घंटे के लिए दी एक घंटे मतलब 3600 सेकेंड राइट right? अब समझो अगर पांच एम्पियर की करंट आपने दी छत्तीसो सेकेंड के लिए तो आवेश कितना दे दिया इतना इतने गुलाम ठीक है यहां तक तो लगभग सब सबको समझ में आ गया अब मेथड नंबर टू में अपन क्या करते हैं मेथड नंबर टू में अप्रोच ये होती है कि हम इस रिएक्शन पे बात करते हैं मेथड नंबर टू में हम इस रिएक्शन को पकड़ करके इसके ऊपर चलते हैं इसके ऊपर पूरी बात होती है कैसे होती है सर इस रिएक्शन का अगर आप रस समीकरण मिति से पोस्टमार्टम करें तो वो पोस्टमार्टम कैसे होगा जरा उसको समझ लो वो पोस्टमार्टम ऐसे होता है इसका आगे कुछ नहीं लिखा मतलब मोल वन मोल सीयू टू प्लस को रिएक्शन करने के लिए मोल की में बात करनी पड़ती है यहां पे आपको दो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ दिख रहा होगा पर जब हम बात करते हैं रस के हिसाब से तो वहां पे मोल देखे जाते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं इसको बोला जाएगा दो मोल इलेक्ट्रॉन और कॉपर कितना मिल रहा है आगे वन लिखा हुआ है मतलब वन मोल कॉपर ये कहलाती है इस रिएक्शन की रस समीकरण मिति डन बढ़िया आया सबको समझ में सही है दो मोल इलेक्ट्रॉन से समझो दो मोल इलेक्ट्रॉन से कितने मोल कॉपर मिल रहा है वन मोल कॉपर ओके okay? दो मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कोई समझाएगा मेरे को एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कुलाम दो मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कुलाम क्या सही बोल रहा हूं मैं आराम से देखो भैया जी स्माइल के साथ देखो दो मोल इलेक्ट्रॉन से प्राप्त हो रहा है एक मोल कॉपर अर्थात अर्थात क्या अर्थात ये कि टू से, डबल जीरो कुलाम से हमें मिलेगा वन मोल कॉपर वन मोल कॉपर का मतलब क्या होता है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम कॉपर ये तो इलेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि वन मोल किसी का भी उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है मोल कॉपर बराबर ग्राम सही है। तो क्या सीखा इस रस समीकरण में तीसरे समझ में आ गया कि इतने कुलाम आवेश से इतने ग्राम कॉपर मिलेगा तो एक कुलाम आवेश से कितना कॉपर मिलेगा पाँच पेन की कीमत अगर पच्चीस रुपये हो तो एक पेन की कितनी होगी पच्चीस बटा पांच इतने कुलम आवेश से इतने ग्राम मिल रहा है तो एक कोलाम आवेश से कितना मिलेगा बोलो ठीक है क्या समझ आ गया वापस देखें भाई सबसे पहले हमने आवेश निकाल के रख लिया हमने कितना आवेश दिया उसके बाद हम भूल गए हमने रिएक्शन को पकड़ लिया इसमें रिएक्शन को पकड़ना होता है कोई फार्मूला 1 की जरूरत नहीं है रिएक्शन को पकड़ा रिएक्शन में क्या होना है Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाएगा Cu2+ का आगे 1 लिखा है 1 मोल कॉपर

गुलाम आवेश से हमें कितना प्राप्त होगा एक गुलाम आवेश से इतना मिल रहा है इतने से कितना होगा इसको गुणा कर दो भाई एक पैन की कीमत अगर दस रुपए है तो पांच पेन की कितनी होगी दस इंटू पांच तो एक गुलाम आवेश से हमें इतने ग्राम कॉपर मिल रहा है देखना एक गुलाम आवेश से इतना मिल रहा है इससे कितना मिलेगा चेक कर लो देखो बेटा क्लियर अब इसको देखो और इसको देखो सेम ही तो है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री सिक्स डबल जीरो अपॉन टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री सिक्स डबल जीरो डिवाइड बाई टू इंटू नाइन सिक्स बोलो क्लियर है क्या आराम से देख लो बोलो ठीक है क्या सबको समझ आ गया क्या सेम तरीका है बस फर्स्ट मेथड में न्यूमेरिकल लगेगा सेकेंड मेथड में अप्रोच लगेगी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं अगर तो बताओ एग्जाम आएगा तो कर लोगे? डन पक्का चलो अब इसके क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे कीट के अंदर अब हम देखते हैं पैराडे का विद्युत अपघटन का तृतीय नियम ठीक है अब अपन देखते हैं फराडे का विद्युत अपघटन का तृतीय नियम समझ आ गया, गया? गुड अब हेडिंग लगाओ फराडे का डे का विद्युत अवघटन का द्वितीय नियम चलो जरा इसको चेक करते मान लो आपने तीन प्रकार के विलयन लिए अलग अलग इसमें भरा हुआ है विद्युत अबगट्टे नंबर वन ठीक इस है इसमें भरा हुआ है विद्युत अब नंबर टू और इसमें भरा हुआ है विद्युत अब नंबर तीन आपने तीन अलग, अलग अलग प्रकार के ले लिए पहले वाले में विद्युत अब वन भरा हुआ है दूसरे वाले में दो तीसरे वाले में तीन और आपने इसमें कनेक्ट कर दिया करंट को बस मजेदार बात यह है कि तीनों श्रेणी क्रम में है तो तीनों के श्रेणी क्रम में होने का फायदा क्या तीनों के श्रेणी क्रम में होने का फायदा यह कि तीनों को एक समान आवेश प्राप्त होगा आराम से देखो। तीनों किसमें है श्रेणी क्रम में तो तीनों के श्रेणी क्रम में होने का फायदा क्या तीनों के श्रेणी क्रम में होने का फायदा ये कि तीनों को एक समान आवेश जो है वो प्राप्त होगा सही है अब जब तीनों को एक समान आवेश प्राप्त हो रहा है एक समान समय के लिए या समय आप अलग अलग भी ले सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आवेश क्यू जो है वो सेम है संयोजन से में, तो W का फॉर्मूला क्या होता है देखा आपने W का फॉर्मूला होता है देड इंटू क्यू समझना अगर Q नियत हो जाए जैसे कि है इसमें इसमें और इसमें तीनों के श्रेणी क्रम होने के कारण क्यों क्या है सेम है नियत है तो W किसके समानुपाती आ जाएगा Z के बस ये है द्वितीय एक या एक से अधिक विद्युत अवघट्य एक या एक से अधिक विद्युत अवघट्य एक समान आवेश से विद्युत अवघटन की प्रक्रिया कर रहे हैं एक समान आवेश से एक समान आवेश से विद्युत अवघन की प्रक्रिया कर रहे हैं है ना कि हम लोग तीनों में जो आवेश हमारा है वो सेम है तो जब आवेश सेम होता है जब क्यू नियत होता है तो जो हम द्रव्यमान दे रहे हैं वो द्रव्यमान जो धर्मान हमें मिलेगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती हो जाएगा ये सीधी सीधी कहानी है इसके अलावा कुछ नहीं बताओ कोई तो समस्या चलो तो वैसे भी देख लो W1 बराबर क्या होगा Z1 वन इंटू क्यू आवेश तो सेम है यहां पे W2 बराबर Z2 टू इंटू क्यू आवेश तो सेम है W3 बराबर Z3 थ्री इंटू क्यू आवेश तो सेम है इस प्रकार से तो अब यहां से देखें तो W1 वन अपॉन डब्लू बराबर क्या आ रहा है जेड वन क्यू अपॉन जेड टू क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा W1 वन अपॉन डब्लू टू बराबर जेड वन अपॉन लो ठीक है निमारिका सॉल्व करने में आपको ये काफी मदद कर सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको इस प्रकार की काफी चीजें जो है वो मिल सकती बताइए ठीक है क्या डन बताओ ठीक है कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है डब्ल्यू क्या है जो आवेश देखो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे विद्युत अपघटन होगा यहाँ पे जो आयन है वो भागेंगे तो हमें यहां पर जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो डब्ल्यू वन है हमें यहां जो विद्युत अपघटन का उत्पाद मिल रहा है वो डब्ल्यू टू है और हमें यहां जो विद्युत अपघटन का उत्पाद मिल रहा है वो डब्ल्यू थ्री डन चलो अब एक चीज और है इसको और देख लेते हैं मान लो आप इसको आशीष सर के कैप्सूल में लिख लो मान लो अगर आपने आवेश दिया हो वन फेरेड के बराबर मान लो लेट अस सपोज कि आपने जो आवेश दिया है वो आवेश कितना दिया है वन फेरेड के बराबर तो अगर आप वन फेरेड के बराबर आवेश दे रहे हो तो फॉर्मूला लगाओ W बराबर क्या होता है Z इंटू क्यू Z को क्या लिख सकते हैं E अपॉन एफ W बराबर E अपॉन एफ और आवेश कितना दिया है अपन ने वन फेरेट तो Q की जगह भी आ गया वन फेरेट फेरेट से फेरेट कट गया तो W बराबर क्या आ गया E आ गया E क्या है W क्या है विद्युत अपघटन की विद्युत अपघटन से प्राप्त की मात्रा है ना और ई क्या है वॉट इज ई है तुल्यांग भार. तो यहां से क्या आपको एक बात समझ आती है कि यदि एक फेरड आवेश विद्युत अपघटन के लिए दिया जाए यदि एक फेरड आवेश विद्युत अपघटन के लिए दिया जाए तो तुल्यांक भार के बराबर उत्पाद प्राप्त होता है अरे आसान तो है देखो फॉर्मला था आप एम लेके चल सकते हो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है किसी बच्चे को बोला फॉर्मले में डब्ल्यू कौन से हो गया हमने तो एम पढ़ा था तो एम भी चल सकता है एक ही बात है एमडब्ल्यू कोई दिक्कत नहीं है मतलब समझो आप तो बस कहानी का सेंस समझो कि अगर आप एक फेरड के बराबर आवेश देते हो तो तुल्यांक भार के बराबर आपको उत्पाद प्राप्त होगा ये मोटा मोटा लॉजिक Done. समझ आ गया लिख लो यदि एक फैरड आवेश विद्युत अपघटन के लिए दिया जाए यदि एक फेरड आवेश विद्युत अपघटन के लिए दिया जाए तो तुल्यांक भार के बराबर उत्पाद प्राप्त होता है तो तुल्यांक भार के बराबर उत्पाद प्राप्त होता है ये मोटी मोटी कहानी देख लो समझ लो चलो आप लोग जाके फिर सीट अटेंड करो ठीक है आज की क्लास के लिए इतना ही और बिहार बोर्ड के बच्चों का पैटर्न चेंज हुआ है देखा मैंने तो उनको चिंता क्यों कर रहे हो चिंता विंता करने की ज़रूरत नहीं है पढ़ते रहो सब हो जाएगा और बाकी कुछ बच्चे कोर्स को लेके भी चिंता कर रहे थे मैंने आपको क्लियर कर दिया मेरी क्लासेस एक महीना लेट हुई हैं सिलेबस भी एक महीना लेट कंप्लीट होगा डोंट वरी सबका सिलेबस हो रहा है ऑलरेडी अपना थोड़ा सा लेट होगा नवंबर में अपन फिनिश कर लेंगे बिहार बोर्ड के बच्चों को किसी भी बोर्ड के बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आज इस क्लास से संबंधित आपको कोई भी डाउट आए तो आपको मैं ग्रुप ओपन करेंगे उस ग्रुप के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बाय बाय जय हिंद क्या कमेंट जरूर करना कैसा लगा एक बच्चा पूछा विलियन अलग अलग हो सकता है क्या हाँ हो सकता है